हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल रांची में। और आज हम लोग आपको रांची में एक न्यू जगह दिखा रहे हैं, न्यू रेस्टोरेंट, न्यू बार। आप सभी रांची में जितने जगह घूमे होंगे ना, उन सभी से बेस्ट है ये। देखिए हम लोग कहाँ पे, हम लोग हैं द सेलियस नॉट के पास, और आज आपको दिखाने वाले हैं द सेलियस नॉट। बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, पूरा नाव के थीम पर बना हुआ है। अभी अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग कहाँ पर हैं, लोकेशन कहाँ है। देखिए ये रोड आप देख रहे हो ना, ये रोड सीधा अरगोड़ा चौक से जाती है डिबडी के लिए। देखो ये रोड सीधा डिबडी के लिए जाती है। जैसे आप अरगोड़ा चौक से थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, तो आपको राइट साइड मिलेगा। यहाँ पे देखो द सेलियस नॉट का ब्रांडिंग भी किया हुआ, बार है इसमें, रेस्टोरेंट है। मेरे साथ है आज की इस वीडियो में असद एंड अभिजीत, तो उन सभी को भी आपसे मिलवाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का थीम है। तो अभी कुछ हम लोग यहाँ के सिनेमेटिक शॉट लेते हैं, वो आप देखो, फिर हम लोग अंदर चलेंगे, फिर वो दिखाएंगे। दोस्तों हम लोग आ गए इसके अंदर, और मेरे साथ हैं अभिजीत। और आज हम लोग, आप सभी अभिजीत को जानते होंगे, एक वीडियो में आपने देखा, तो ये भी हमारे लाइफ से रांची के पार्ट है अभिजीत। और अभी आप यहाँ का एम्बियंस देखो, उस साइड देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, मतलब रांची में ना एक ऐसा रेस्टोरेंट आपको दिखा रहा हूँ ना, जो आप सभी लोग आए नहीं होंगे या पता ही नहीं होगा, क्योंकि एम्बियंस बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी अंदर का आपको दिखाएंगे, तो चला जाए अंदर, चला जाए। अभी हम लोग यहाँ पे नाव पे बैठे थे, कुछ फ़ोटोज निकाले, आप यहाँ पे आके फोटोज निकाल सकते हो। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से निकलकर हम लोग इस साइड आ गए। देखिए यहाँ पे प्राइवेट पार्टी के लिए एक लॉन बना हुआ है, जो पूरा ओपन है। आप यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह गैदरिंग कर सकते हैं। देख लो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ का जो ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये पूरा नाव के थीम पे बना होगा। अगर आप पूरा व्यू देखो यहाँ का, चारों बगल अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक नाव का जो एक नाव का थीम देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये देखिए इधर कुछ इस तरह का बैठने का है यहाँ पे। और अभी तक का ना रांची में जितने भी लोगों से हमने पूछा इस जगह के बारे में, ये कोई प्रमोशन नहीं है, हम लोग सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है इस जगह। आप यहाँ पे एक बार आओ ज़रूर। अभी तक हमने खाना भी नहीं ट्राई किया, लेकिन एम्बियंस यहाँ फ़ोटो वगैरह आप निकालेंगे ना, बहुत बढ़िया निकलेगा। तो इधर भी देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पे फाउंटेन है इधर भी। तो चलिए हम लोग सीधा अंदर चलते हैं और अंदर का आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, और देख सकते हो यहाँ पे अभिजीत एंड यहाँ पे है असद। तो कैसा है कॉफ़ी? बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा। तो अभी हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, हम लोग बहुत सारा फूड ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे, एंड बहुत सारा मॉकटेल। तो आगे हम लोग फटाफट अभी कॉफ़ी ख़त्म करते, दिखाते हैं आपको कॉफ़ी कैसा है। देखिए ये हमारा कैपेचिनो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। और ये देखो आप, ये कॉफ़ी, और ये क्या पी रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी। और ये देखिए यहाँ पे ये है इनका बार सेक्शन, जहाँ पे मॉकटेल और कॉकटेल दोनों मिलता है आपको। ये देखो कुछ इस तरह का यहाँ पे एम्बियंस है, वो हमने आपको दिखाया। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा यहाँ के एम्बियंस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम लोग फूड ट्राई करेंगे, तो चलिए इधर बैठते हैं और कुछ फूड मंगवाते हैं। तो दोस्तों हमने अपना जो खाना था, हमने फूड वो मंगवा लिया। सबसे पहले हमने कॉफ़ी पिया, वो आपको दिखाया। और देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन मॉकटेल हमने मंगवाए हैं। इधर देखो आप, एक इधर है, एक इधर है, तीनों हमने अलग अलग तरह का मंगवाया है। और इसका जो प्राइस है बहुत ही रिजनेबल है, 250 रुपीज़ के अराउंड में सारा मॉकटेल का। नॉनवेज प्लेटर जो 700 रुपीज़ का, इसमें सारा चिकन एंड चिकन तंदूर का एक कॉम्बो देखने को मिलेगा। एंड इधर आपको देखो यहाँ पर ये सेलर्स पॉप जो है 300 कुछ रुपीज़ का। तो ये है बेसिकली हमारा स्टार्टर और मॉकटेल। अब सभी का फेवरेट चिकन तंदूर, चिकन तंदूर काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में। अब ट्राई करते हैं फिश। और ये जो चौथा है हमारा, वो है चिकन मलाई टिक्का। तो स्टार्टर हमें बहुत अच्छा लगा, मैं क्या बोलूँ, सारा चीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा। तो इधर है हमारा सेलर्स पॉप, जो हमारे आज के फूड पार्टनर है अभिजीत, वो ट्राई करेंगे, वो बताएंगे आपको उनको कैसा लग रहा है। काफ़ी लजीज है, बहुत सॉफ्ट एंड क्रिस्पी है। दोस्तों हमने अपना जो खाना था वो मंगवा लिया। हमने मेन कोर्स में तीन तरह का अलग अलग नान मंगवाया है। पहला है हमारे पास लच्छा पराठा, इधर है कुलचा, एंड वन ऑफ द फेवरेट सभी का नान, बटर नान। एंड तीन हमारे पास, हमने दो नॉनवेज में मंगवाया है यहाँ पे। देखो दो चिकन का आइटम है यहाँ पे, और एक है हमारे यहाँ पे वेज में पनीर। तो कुछ इस तरह का देख सकते हो यहाँ पे चिकन,
बहुत गर्म है यार, ये देखो चिकन का पीस भी देखो तो काफ़ी काफ़ी बड़ा है। लच्छा पराठा के साथ ट्राई करते हैं। तो आप देखिए कि जो हमारे वेज के जो गेस्ट हैं, हमारे जो फूड पार्टनर हैं, वो आ चुके हैं, देख सकते हो मिस्टर आदित्य। तो देख सकते हो चिकन काफ़ी अच्छे से टूट भी गया, और टेस्ट बताते हैं कैसा है। और ये है कढ़ाई चिकन, देख सकते हो जो अभी हमने ट्राई किया। और दूसरा जो है चिकन लवाबदा, उसको ट्राई करते हैं। तो वेज में हमने एक स्टार्टर भी मंगवाया है आप मिस्टर आदित्य जी के लिए, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है तंदूरी स्टफ मशरूम, और ये वेज है। तो अभी वो ट्राई करेंगे, आप इनको भी ट्राई करो थोड़ा कैसा। काफ़ी अच्छे से हम इंजॉय लेते हुए खा रहे हैं आप, ये देखो। तो चिकन लवाबदा में हल्का स्वीटपन है, हल्का सा मीठापन है, अभी ग्रेवी तो बहुत अच्छा लगा। तो चिकन कढ़ाई, चिकन लवाबदा, चिकन कढ़ाई भी ठीक है, और अच्छा थोड़ा किया जा सकता है, लेकिन चिकन लवाबदा बहुत अच्छा लग रहा है। हल्का सा स्वीटपन है इसमें, हल्का सा मीठापन है, हल्का सा मीठापन है, बहुत अच्छा लग रहा है। और नान यहाँ पर लच्छा पराठा अभी तक सूखा भी नहीं है। इधर देखो, इधर भैया भी, इधर मिस्टर आदित्य ट्राई कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे स्टाफ हैं सब आपको एक क्रू मेंबर के फॉर्म में देखेंगे, उनका यूनिफॉर्म देखो, मतलब कि बहुत ही यूनिक है, और इसे मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर्विस भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ही अच्छे से। अब मिस्टर आदित्य से जो हमारे गेस्ट हैं उनसे पूछते हैं कि उनको खाना कैसा लगा। मैंने यहाँ का खाना खाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं फैमिली को भी लेके आऊँगा, अपने बीवी बच्चों को लेकर के आऊँगा। और खाने से ज़्यादा मुझे अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट लगा, जो काफ़ी स्पेसियस और काफ़ी सफाई, बिल्कुल नेट एंड क्लीन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और खाना परोसने का तरीका, कहते हैं ना लोग कि खाना अच्छे, मतलब जितना अच्छे से परोसा जाए उतना खाना खाने का मज़ा आ जाता है, वो वाला चीज़। मिस्टर आदित्य, आपने यहाँ कौन कौन सा फूड ट्राई किया? और ये मैंने अभी यहाँ पर ये पनीर बटर मसाला मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये और बटर लच्छा पराठा है, और मैंने ये मशरूम स्टफ चीज़ ये मैंने ट्राई किया, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों हमने सारा कुछ आपको दिखाया, सारा फूड एंड, और हमारे साथ देख सकते हो दोनों हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं। और अभी हम लोग फाइनल यहाँ पे खाते हैं और आपको देते हैं फाइनल रिव्यू कि कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अगर हमने खाया, हमें सारा खाना जो है बहुत ही मज़ा आया, और लास्ट में हमने मंगवाया है डेजर्ट्स। तो इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल को। तो कैसा लग रहा है मिस्टर अभिजीत, आप डेजर्ट्स कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और ओवरऑल खाना कैसा लगा? ओवरऑल खाना अच्छा था, ठीक है। वर्थ है फैमिली के लिए, कपल्स के लिए, सबके लिए वर्थ है। एम्बियंस बहुत अच्छा। और आप क्या बोलोगे सर? इतनी सर्दी में गरम गरम गुलाब जामुन खाने का मजा ही बदल गया। ओवरऑल अच्छा है, जायका बहुत ही अलग है। और ओवरऑल आप कितना रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10? ओके, 10 में से 9। तो देखो ये हमारा डेजर्ट्स है, और हमने यहाँ पे पूरा खाया। वक्त आ गया आपसे विदा लेने का, और नए वीडियो में फिर से आपको इन लोगों से मिलवाएंगे, हमारे जो दो आज फूडी जो आए थे हमारे पास। शुभ रात्रि, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफस्टाइल रांची।